नमस्कार साथियों, लर्न अकेडमी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जिसने ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि संपूर्ण भारत में एक पॉलिटिकल खलबली क्रिएट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, यह एक खलबली के रूप में ही देखा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, जहाँ एक तरफ दिन ब दिन कांग्रेस का ग्राफ पूरे देश भर में गिरता जा रहा है, वहीं कई सारे राज्यों में इसके आपसी नेताओं में ही जो मतभेद हैं वो देखे जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री और डेप्यूटी मुख्यमंत्री, जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच टसल देखने को मिल रहा है, जिसमें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में मतभेद सामने आ रहे हैं। और ये मतभेद किस तरह से हैं और क्या ये कांग्रेस को फ़ायदा करेंगे या नुकसान करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें। और मेरा नाम है राहुल गुप्ता, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी। इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है @learnacademyplus, वहीं दोस्तों टेलीग्राम पर हमारी आईडी है learnacademyplusofficial। दोनों को ही आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्या है ये टॉपिक और किस तरह से आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस क्राइसिस, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी फ्लैश पॉइंट टसल सामने आई है जिसमें कि गहलोत, अशोक गहलोत और पायलट जी, सचिन पायलट, इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं ऐसी टसल हुई है जिसने कि कांग्रेस की लीडरशिप को एक सकते में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, एंड सम कांग्रेस लीडर्स हैव बिगन टू रिकॉल, और कुछ कांग्रेस नेताओं ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कोलैप्स करवाया था वहाँ की गवर्नमेंट का, और उसी तरह से वो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी वापस उसी सत्ता में आ गई थी, ठीक उसी प्रकार से सचिन पायलट का भी नज़रिया देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या है इसकी जड़ पायलट और गहलोत के बीच के झगड़े की, जानते हैं इस पॉइंट में। पायलट वाज गिवन चार्ज ऑफ राजस्थान कांग्रेस इन January 2014। यहाँ दोस्तों, जो सचिन पायलट हैं इनको 2014 में राजस्थान कांग्रेस के जो कमान है वो सौंप दी गई थी। उसके बाद कांग्रेस ने काफ़ी सफ़र किया और एक बड़े ही बुरे टाइम से उठ कर के आई इन अंडर गहलोत। जी हाँ दोस्तों, पायलट दोस क्लोज टू हिम से, जो पायलट के क्लोज हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं एक जनरेशनल शिफ्ट है कांग्रेस के अंदर और राजस्थान राज्य के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं इनको एक चीफ मिनिस्टर के रूप में पार्टी बना सकती है। लेकिन जो पायलट हैं वाज आल्सो काउंटेड एज वन ऑफ द स्टारवर्ड्स इन टीम राहुल गांधी। यहाँ दोस्तों, जो पायलट हैं उनको राहुल गांधी की जो टीम है, जो मैनेजमेंट टीम है, उसमें काफ़ी एक बड़े अहदे के रूप में भी देखा जा सकता है। वहीं दोस्तों, अशोक गहलोत का क्या रोल है कांग्रेस में, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। गहलोत हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो गहलोत जी हैं वो काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के साथ हैं। ही बिकेम चीफ मिनिस्टर फॉर फर्स्ट टाइम इन 1998। गहलोत जी 1998 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने एट द एज ऑफ 47 ओनली। ही हैड बीन द PCC प्रेजिडेंट, वो PCC के प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस का जो कैंपेन है उसको बढ़ा चढ़ा कर उसमें सहयोग किया है। और साथ ही साथ उन्होंने BJP की जो भैरव सिंह शेखावत की जो सरकार थी, जो कि 1990 से चली आ रही थी, उसको भी गिराने में, अर्थात उसको भी हराने में और पीछे छोड़ने में इन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई, जिससे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वापस से पावर में आई। और गहलोत हैज सिंस अल्टरनेट एज चीफ मिनिस्टर, जो कहीं ना कहीं उस टाइम के बाद से जो गहलोत हैं, अशोक गहलोत, वो राजस्थान में वसुंधरा राज्य के एक ओपोनेंट के रूप में, एक चीफ मिनिस्टर के ओपोनेंट के रूप में उभर कर के सामने आए। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या है ये टसल सचिन पायलट वर्सेज अशोक गहलोत की, ये भी जान लेते हैं। द फ्यूड बिटवीन गहलोत एंड पायलट एस्केलेटेड आफ्टर द कांग्रेस हाईकमांड डिसाइडेड टू गिव द एक्सपीरियंस्ड गहलोत अ थर्ड शॉट ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप। यहाँ दोस्तों, जब तीसरी बार जब इनको, अशोक गहलोत जी को, मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये जो टसल है
ये जो मतभेद है ये देखा जा सकता है। और साथ ही साथ ये ऐसा इसलिए भी किया गया था क्योंकि 2019 के लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक थे, जिसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के आला कमान ने अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। द टू लीडर्स हैव बीन एट लॉगरहेड्स एवर सिंस। तभी से ये दोनों ही नेताओं के बीच में काफ़ी सारा मतभेद देखने को मिल सकता है, और इन्होंने कई बार काफ़ी सारे कमेंट्स भी किए हैं बिना एक दूसरे के नाम लिए। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि क्या है राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति वहाँ की असेंबली में। तो कांग्रेस के पास हैं अपने 107 MLA और उनके पास सपोर्ट है 13 इंडिपेंडेंट MLA का, जिन्हें कि निर्दलीय कहा जाता है। साथ ही साथ 2 MLA हैं उनके पास भारतीय ट्राइबल पार्टी के और एक है RLD के। इट ऑल्सो बैंक्स ऑन द सपोर्ट ऑफ द 2 CPM MLA और साथ ही साथ उनके पास 2 CPM MLA का भी सपोर्ट है, जो कि ये संख्या को ले जा करके 125 कर देता है। वही दोस्तों BJP की क्या है स्थिति राजस्थान असेंबली में, वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ 72 MLA ऑन इट्स ऑन। BJP के खुद के जो MLA हैं राजस्थान में वो हैं, उनकी संख्या है 72। वहीं उनके पास 3 हनुमान बेनीवाल की पार्टी लेड राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी सदस्यों का भी समर्थन है। तो कुल मिलाकर के इनके पास कितने हुए 75। वहीं कांग्रेस के पास कितना है 125। तो दोनों की संख्या आप जोड़ दें तो टोटल बनती है 200। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि किस प्रकार से अगर इनमें से कोई भी नेता अब एक दल बदल का कार्य करता है तो उनके ऊपर किस प्रकार से एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। तो सबसे पहले जो दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कंटेंड इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 52nd अमेंडमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 10वीं अनुसूची में शामिल है। वहीं यह 52वें संविधान संशोधन में किया गया था जब राजीव गांधी की सरकार थी। अर्लियर दिस 10th शेड्यूल वॉज रिलेटेड टू द एसोसिएशन ऑफ सिक्किम। इससे पहले जो 10वीं अनुसूची है वो सिक्किम के एसोसिएशन से रिलेटेड थी, जिसे कि बाद में जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तब उसे हटा दिया गया था। उसके बाद दोस्तों क्या है डिफेक्शन की डेफिनेशन, ये भी हमारे लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। डिफेक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच पार्टी लीडर अबेंडन्स हिज लॉयलिटी टुवर्ड्स हिज ओन पार्टी एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर पार्टीज। डिफेक्शन की बात तब आती है जब किसी सिचुएशन में कि पार्टी का जो लीडर है वो अपनी लॉयल्टी को अबेंडन कर देता है टुवर्ड्स हिज ओन पार्टी, मतलब अपनी पार्टी के लिए ही विश्वासघात का कार्य कर देता है और जो अपना सपोर्ट है वो किसी और पार्टी के लिए कर देता है। दोस्तों क्या है इसका हिस्टोरियल बैकग्राउंड, ये भी हमारे लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट कंटेन एनी प्रोविज़न रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। जो संविधान की मूलभूत अवधारणा थी उसमें कहीं भी दल बदल के कार्य को नहीं शामिल किया गया था। यह 1967 में सामने आया जब कांग्रेस के जो इलेक्शन में हार हो गई थी, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो काफ़ी सारे MLA थे उन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। ऐसे में ही एक हरियाणा के एक विधायक सामने आए जिनका नाम था गयालाल, चेंज हिज पार्टी 3 times। उन्होंने एक ही दिन में 3 times 3 पार्टियों को चेंज कर दिया, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। तभी से उनको आयाराम गयाराम की कोटेशन दे दी गई। तो तब से ही ये एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान में और इस भारत की राजनीतिक गलियारे में तब से ही शामिल हुआ है। आगे जान लेते हैं दोस्तों इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। टू एस्केप द एंटी डिफेक्शन लॉ 2/3 ऑफ कांग्रेस MLA विल हैव टू लीव द पार्टी। देखिए दोस्तों, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ से बचना है तो लगभग कांग्रेस की जितने भी अभी MLA हैं उनमें से लगभग 2/3 MLA को पार्टी छोड़नी पड़ेगी। वहीं दोस्तों दैट इज़ वेरी बिग नंबर, जाहिर सी बात है 72 MLA 107 MLA में से 72 MLA कभी भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा होते हुए एक अगला ऑप्शन जो बचता है वो ये है कि मध्य प्रदेश का मॉडल। उसमें क्या हुआ था कि MLA जो हैं, जो MLA सचिन पायलट के लिए लॉयल हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, जिससे कि जो हाउस है मतलब जो असेंबली है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए, जिससे कि दोबारा से और साथ ही साथ उन्हें वो BJP ज्वाइन कर लें और फिर बाई इलेक्शन लड़ करके वापस से चुनाव जीत करके असेंबली में आ जाएं, जिससे कि उनको वापस से BJP को स्ट्रेंथ मिले और वो सरकार में वापस आ सके। लेकिन जो डिफरेंस है वो काफ़ी लंबा है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस के पास है 125 सीटें और BJP के पास है 75 सीटें,
अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो वो बनता है 50 सीटों का, जो कि काफ़ी लंबा है और ये लगभग हाफ वे मार्क के रूप में हो जाएगा। तो ऐसा मुश्किल ही है कि इतने सारे MLA के द्वारा डिज़ाइन दे दिया जाए, लेकिन राजनीति है दोस्तों, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को इसी नोट पर एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स आने वाले दिनों में आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।